वेलकम टू शमीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम सेवंथ क्लास साइंस का चैप्टर 10 देखते हैं, रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म होता मीन्स होता है जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अपन जानेंगे। पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाई डज एन एथलेट ब्रीथ द फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। क्या बोल रहा है कि एक एथलीट दौड़ पूरी करने के सामान्य से अधिक तेज गहरी सांस क्यों लेता है। एक एथलीट दौड़ पूरी करने के सामान्य से अधिक तेज गहरी सांस क्यों लेता है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। ड्यूरिंग एज एन एथलेट नीड्स मोर एनर्जी टू रिलीज एनर्जी, मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन सो टू टेक मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड एथलेट ब्रीथ्स फास्टर एंड डीपर। क्या बोल रहे हैं कि दौड़ के दौरान एक एथलीट को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक एथलीट को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ताजी ऊर्जा की मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन, ताजी ऊर्जा की मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है और अधिक मात्रा में आवश्यक लेने से एक एथलीट तेजी से और गहरी सांस लेता है। इसलिए एथलीट तेजी से और गहरी सांस लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है, एनारोबिक और एरोबिक में डिफरेंस बताना है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। सिमिलरिटी क्या होता है, सिमिलरिटी के बारे में जानेंगे पहले। ठीक है, सिमिलरिटी मतलब होता है समानता। एनर्जी इज रिलीज्ड ऊर्जा जारी की जाती है। एनर्जी इज रिलीज्ड ऊर्जा जारी की जाती है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है, प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पादन करना। ठीक है, देखते हैं इसको, इसके डिफरेंस देख लेते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, फर्स्ट में दिया गया है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या फिर लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में लेता है। इधर देख लेते हैं, टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ठीक है, अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोवाइड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। एरोबिक रेस्पिरेशन बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, इधर देखते हैं, प्रोवाइड्स लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं वो कम मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं कम मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक, क्या बोल रहा है कि एरोबिक श्वसन पौधों और जानवरों में होता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन पौधों और जानवरों में होता है। ठीक है, इधर देखते हैं, ऑकर्स इन ईस्ट बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल्स, ईस्ट बैक्टीरिया और मांसपेशियों में होता है। ठीक है, ईस्ट बैक्टीरिया और मांसपेशियों में होता है। नेक्स्ट, इट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर्स, इसका उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से होता है। ठीक है, इसका उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से होता है। इधर देख लेते हैं, इन ईस्ट एंड बैक्टीरिया इट्स एंड प्रोडक्ट आर एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वेरस इन ह्यूमन मसल्स इट्स एंड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड। ठीक, क्या बोल रहा है कि ईस्ट बैक्टीरिया में इसके उत्पादन एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड
है, जबकि मानव मांसपेशी में इसका उत्पादन लेनिक तक है, ठीक है, सॉरी लैक्टिक एसिड है, मांसपेशी में इसका उत्पाद लैक्टिक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू वी आफ्टर स्निज व्हेन वी इनहेल लॉट ऑफ डस्ट एयर, क्या बोल रहा है कि जब हम धूल से भरी हवा में रहते हैं, धूल से भरी हवा में रहते हैं तो हम अक्सर क्यों छींकते हैं, तो हम अक्सर क्यों छींकते हैं, ठीक है। स्निज क्या होता है, छींकना, तो हम अक्सर क्यों छींकते हैं, आंसर देखते हैं इसका। व्हेन वी इनहेल ए लॉट ऑफ डस्ट लेडन या डस्ट पार्टिकल्स कॉज इरिटेशंस इन द नेजल कैविटी एज अ रिजल्ट ऑफ विच द स्निज, क्या हो रहा है कि जब हम बहुत अधिक धूप लादेन करते हैं तो धूल के कणों में नाक गुहा में जलन पैदा करते हैं, धूल के कण नाक गुहा में जलन पैदा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम छींकते हैं, ठीक है। जो धूल होती है वह हमारे नोज में चली जाती है और उसके कारण हमें छींक आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर, हमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वहां पे हमें चूज करके करेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट में दिया गया है इन इन कॉकरोच एयर्स एंटर द बॉडी थ्रू, क्या बोल रहा है कि तिल चट्टे में हवा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, तिल चट्टे के माध्यम से हवा सॉरी तिल चट्टे में हवा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लंग्स, गिल्स, स्पेरिक्स और स्किन्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, स्पेरिकल्स, ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा स्पेरिकल्स। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गेट एग्जाम्पल्स इन द लेग्स ड्यू टू द एकोमिलेशंस, ठीक है, एकोमिलेशंस ऑफ भारी व्यायाम के दौरान हम पैरों में ऐंठन के कारण ऐंठन हो जाती है, ठीक है। भारी व्यायाम के दौरान हम पैरों में ऐंठन के कारण ऐंठन हो जाते हैं, ठीक है। इसके आंसर देखते हैं, फर्स्ट में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल और वाटर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट्स इन ए एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज, क्या बोल रहा है कि आराम करने वाले एक औसत वयस्क व्यक्ति में मिनटों तक सांस लेने की दर सामान्य होती है, एक वयस्क व्यक्ति में मिनटों तक सांस लेने की दर सामान्य होते हैं, तो देखते हैं इसका। फर्स्ट टाइम दिया गया है 9 से 12, 15 से 18, 21 से 24, 30 से 33, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 15 से 18, ठीक है, इसको वयस्क व्यक्ति के मिनटों तक सांस लेने की दर सामान्य होती है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 15 से 18। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग ड्यूरिंग एक्सेलेशन द रिप्स, क्या बोल रहा है कि सांस छोड़ने के दौरान पसलियां, सांस छोड़ने के दौरान पसलियां, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, मूव आउटवर्ड्स, मूव डाउनवर्ड्स, मूव अपवर्ड्स, डू नॉट मूव अप, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा मूव डाउनवर्ड्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विथ दोज इन कॉलम सेकंड्स, ठीक है, हमें यहाँ पर दो कॉलम्स गिवन है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, ठीक है, दोनों कॉलम्स को मैच करना है। फर्स्ट में दिया गया है ईस्ट, ईस्ट का वर्क क्या रहता है, ईस्ट एल्कोहल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, तो ईस्ट का करेक्ट आंसर आ जाएगा एल्कोहल।
नेक्स्ट देखते हैं डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ होता है? चेस्ट कैविटी में होता है डायफ्राम। डायफ्राम कहाँ पे होता है? चेस्ट कैविटी में। स्किन, नेक्स्ट देखते हैं स्किन। स्किन कहा जाएगा फोर्थ वर्म, ठीक है, स्किन कहा जाएगा फोर्थ वर्म। नेक्स्ट देखते हैं ल्यूस। ल्यूस मीन्स क्या होता है? पत्ती। पत्ती कहा जाएगा स्टोमेटा। पत्ती कहा जाएगा, करेक्ट आंसर स्टोमेटा। फिश, फिश कहा जाएगा, सॉरी फिश कहा जाएगा गिल्स। फिश कैसे अपने सांस लेते हैं? तो गिल्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉग। फ्रॉग कहा जाएगा लंग्स एंड स्किन के द्वारा मेंढक अपने सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, मार्क्स टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इट इज फॉल्स। ठीक है, जो स्टेटमेंट्स गिवन है वहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स करना है, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स राइट है उसे हमें ट्रू करना है, जो स्टेटमेंट्स रॉन्ग है उसे हमें फॉल्स करना है, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या दिया गया है? ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लो डाउन। क्या बोल रहा है कि भारी व्यायाम के दौरान किसी व्यक्ति की सांस लेने की दर धीमी हो जाती है। भारी व्यायाम के दौरान किसी व्यक्ति की सांस लेने की दर धीमी हो जाती है, तो आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि सांस जो फास्टर चलती है, ठीक है, भारी व्यायाम के दौरान। नेक्स्ट, प्लांट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे, रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। क्या बोल रहा है कि पौधे केवल दिन में श्वसन के दौरान केवल रात में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है, करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मेंढक अपनी त्वचा के साथ साथ अपने फेफड़ों से भी सांस लेती है। मेंढक क्या करती है? अपनी त्वचा के साथ साथ अपनी स्किन के साथ साथ लंग्स से भी सांस लेती है। लंग्स मीन्स क्या होता है? फेफड़े। फेफड़े से भी सांस लेती हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पायरेशन। क्या बोल रहे हैं कि मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं? मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज ड्यूरिंग इनहेलेशन। क्या बोल रहा है कि सांस लेने के दौरान छाती गुहा का आकार बढ़ जाता है। सांस लेने के दौरान छाती गुर्दा का आकार बढ़ जाता है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि अपन जब सांस लेते हैं तो उस कंडीशन में अपनी छाती और गुर्दा का जो आकार होता है वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द माउंटेन्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज। क्या बोल रहा है कि वर्षारोही अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं, क्योंकि वर्षारोही अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं क्योंकि, इसका आंसर देखते हैं, एट एन एटीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देन इज नॉट एयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर्स अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल एन द ग्राउंड। क्या बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को उपलब्ध जहाँ की मात्रा जमीन पर उपलब्ध होने की तुलना में कम होती है, ठीक है,